हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं। अगर आपको परफेक्ट तरीके से स्लीव्स कटिंग सीखना है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने ये जो ब्लाउज पीस है उसके कुछ इस तरह से फोल्ड की है। ये इसके चार पीस दिख रहे हैं ऐसे, ताकि ये पलटने के बाद, ओपन करने के बाद इसके बराबर दो स्लीव्स आ जाए। अब इसके बाद हमें जिस किसी भी नाप का स्लीव्स बनाना है तो सबसे पहले हम उसकी लेंथ लेंगे, लंबाई लेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई है 4.5 इंच। तो इसमें हमें, अगर यह जो स्लीव्स है वो अस्तर की है तो सिर्फ आधा हिस्सा, आधा इंच हमें बढ़ाना है, ताकि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ से सिलाई में उतना जाएगा। अगर हम स्लीव्स विदाउट अस्तर की स्लीव्स बना रहे हैं तो इसमें हमें मिलाना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 4.5 + 1.5 इंच, यानी कि 6 इंच। 6 इंच पर हमें बॉक्स बनाकर स्लीव्स की कटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हमें विदाउट अस्तर की स्लीव्स नहीं कटिंग करनी है, कटिंग करनी है अस्तर वाली स्लीव्स। तो यहाँ पे देखिए, ये 4.5 इंच है तो इसमें आधा इंच मिलाया है मैंने, यानी कि 5 इंच पर यहाँ पे हम बॉक्स बना देते हैं। अब इसके बाद ये जो स्लीव्स की चौड़ाई है वो देखते हैं। यहाँ पे 8.5 इंच की फोल्ड आई है तो ये स्लीव्स के लिए सफिशियंट है। अगर ये कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम उस साइड से, जो ओपन साइड दिख रही है वहाँ से हम इसको जॉइन भी लगा सकते हैं। अब देखिए, ये जो ओपन साइड है उस साइड से हमें ऊपर की तरफ से 2.25 इंच पर मार्किंग करना है। अंदर की तरफ से हम लेंगे 1.5 इंच का नाप, उसके बाद हम ऊपर की तरफ से लेंगे 2.5 इंच पर माप। और ये जो दो पॉइंट हमें मिले हैं, ये वाला और ये वाला, हम इसको इस राउंड शेप में मिलाएंगे। अब हमने यहाँ पे जो 1.5 इंच का नाप जो छोड़ दिया है वो किस लिए, तो अगर हम जब भी फिटिंग करेंगे ब्लाउज की तो एक के ऊपर एक दोनों हिस्से आएंगे, पीछे मतलब नीचे वाला और ऊपर वाला, दोनों हिस्से एक के ऊपर आएंगे। 1.5 इंच तक हमारी फिटिंग हो जाएगी और उसके बाद ये जो शेप आएगा वो आर्म होल में बराबर बैठेगा। अब ये जो शेप है, हमने एक वाला शेप दिया है, वहाँ से हम 1/2 इंच पर और एक कुछ इस तरह से राउंड बना देते हैं। ये हो गए स्लीव्स की आकार। तो अब हम इसे कट कर देते हैं। कट करते समय एक सावधानी हमें बरतनी है। सबसे पहले हमें बाहर का हिस्सा कट करना है, कुछ इस तरह से। अब सिर्फ ऊपर के दो हिस्से उठाने हैं और वही दो हिस्से हमें कट करने हैं, कुछ इस तरह से। हमने ये जो अंदर का हिस्सा है वो कट कर दिया है। अब ये जो जुड़ा हुआ हिस्सा है उसको हम कट कर देते हैं, ताकि हमें दोनों जो स्लीव्स हैं वो अलग अलग मिले, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से हम स्लीव्स की कटिंग कैसे कर सकते हैं।